Ramazan, Kabul, Yer Rahima, Mabrur Al-Qadhan, Faisal Al-Quran, Hizmi Al-Lama, Rahim Musa. Alay Rahma, वो तक जान मुफ्ती मुहम्मद हुसैन देवी अलै रहमा के ख़ास शागिर्दों में शामिल रहे और हज़रत मौलाना पीर सैयद मुख्तार शाह साहब ये वालिदे गिरामी के शागिर्दों में और फिर हम मकतब भी हम जमात भी हुसामी एक ही क्लास में पढ़ी, इसका कुछ दीगर कुतुब भी हमने एक ही जगह पे एक ही क्लास में पढ़ी। मुख्तार शाह साहब आजकल अमेरिका में क़याम पज़ीर हैं और जामिया निया के नाम से ही इस्लामिक सेंटर वहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ है और गुज़श्ता 8-10 बरस से अमेरिका में दीन इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं और दीन इस्लाम के हवाले से होने वाले इतराज़ात का वाफी और शाफी जवाब मुख्तलिफ चैनल्स पे, रेडियो पे और अपनी तकारीर के ज़रिए कर रहे हैं। यूट्यूब पे नेट पे आपने इनकी बेशुमार तकारीर देखी भी होंगी और पाकिस्तान के मीडिया के मुख्तलिफ चैनल्स पे आपकी गुफ्तगू और तकारीर मौजूद हैं और आप लोग उन्हें सुनते भी रहते होंगे। आप पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और यहाँ पे तशरीफ़ लाए यहाँ पे दुआ के लिए, तो मैंने गुजारिश की कि थोड़ा सा वक्त आप जाने जाने के तलबा के लिए भी निकालिए और कल इनकी वापसी की फ़्लाइट है। मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ कि मुख्तसर से वक्त के नोटिस पे आपने यहाँ के लिए अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला और यहाँ पे तशरीफ़ लाए और नहायत ही अदब के साथ में नमाज करूँगा जनाब पीर सैयद मुख्तार शाह साहब को कि आप तशरीफ़ लाएँ और इस टॉपिक के हवाले से इनसे गुजारिश की गई थी कि इस्लाम को इस वक्त मगरिब में और अमेरिका में क्या क्या चैलेंजेस हैं और हम यहाँ पे पाकिस्तान में रहते हुए एक इस्लाम के तालिबे इल्म होने की हैसियत से किस तरीके से उन चैलेंजेस का मुकाबला होगा जवाब दे सकते हैं। जनाब क़िबला मुख्तार शाह साहब, इसमें आप तमाम तलबा इनके लेक्चर के सुनने के बाद कोई अगर सवाल आपके जहन में बिस्मिल्लाह अल्लाह रहमान अल्लाह रहीम।
इन्नी आला को माला ताला मुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी रजीम और अल्लाह का रसूल और नबी करीम और हम वाला सारे कलाम के शाहिदीन और शाकिरीन और हम तेरे गाले बिना नबी इन अल्लाह और मलाइकतहु यसल्लुना अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लम तस्लीमा बाद बिलदुर शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला और सबसे
आपके सामने मिसाल हूं मैं कोई इकरार कर रहा हूं तीन जवाब में पड़ी थी मुफ्ती मोहम्मद हुसैन नेवी रहमतुल्लाह तआला के कहने पर बैठक में बैठे और पौने 600 के करीब जो है वो 600 के करीब मेरे जो है वो नंबर आए मैं सबसे नलायक था कुछ मुझे पता नहीं था मुझे अलजबरे की 10 मशकें तब होती थी ये सेहन के अंदर बैठ कर यहाँ बैठ कर मैंने 10 की 10 मशकें कर डाली मुझे ये समझ नहीं आती थी कि कई कैसे हैं ये पता चलता था जवाब ठीक आया तो अब ये सारी जो कोई 21 के करीब समरिये थी मैटर की वो सारी की सारी मुझे जुबानी आती क्या बिलीव करेंगे ये मैं आप ही के मदरसे से यहीं से रोटियां खा कर गया हूँ मैं यहीं बैठ कर खाया था अलग यही चीजें हैं लेकिन हम उस्तादों की इज्जत करते थे जिनसे मैं असल शासी पढ़ता था आप लोगों को बताना चाहूंगा वो कड़ी शो से बैठते थे गाड़ी में मैं नंगे पाऊँ सहद गर्मी में कड़ी शो पर जाता था मैं खोकर साहब होते थे असल खोकर साहब जूता नहीं मिला छोड़ दिया उस्तादों के पीछे भाग पड़े कड़ी शो पर उन्होंने जाना एक दिन फिर उनकी नजर पड़ गई तो तूने जूता नहीं पहना मैंने कहा जूता पहनता तो देर हो जाती तो मैं ऐसे ही चल पड़ा ये उन उस्तादों की दुआओं का सदका है कि आज एम्बेसडर मिनिस्टर सब लोग बैठे होते हैं और ये जामा नेमिया का नलायक करीम जो शागिर्द है यहाँ का पढ़ने वाला वो वहां तकरीर कर रहा होता है और वो सुन रहे होते हैं अब मुझे मुफ्ती साहब ने यह फरमाया कि हमें आगे जाके क्या करना है ये हमारे उस्तादों ने पहले देख लिया था मुफ्ती मोहम्मद हुसैन नेवी रहमतुल्लाह को पता चल गया था कि आगे जाकर क्या होना है उन्होंने उसी वक्त स्कूल को किया एफए जो है वो मैं यहाँ से कुछ पढ़ा फिरना चला गया यहाँ अब इस वक्त काफी सारी चीजें आप लोगों को हमारे मुफ्ती साहब जो है वो दे चुके हैं लेकिन हमें अब आगे क्या करना है देखिए ये बंदे आपको समझाते रहेंगे आप जहन में रखते रहेंगे फिर भी निकल जाता लेकिन बेहतर ये है कि मुफ्ती मोहम्मद हुसैन नेवी रहमतुल्लाह का ये नुक्ता नजर था कि आप लोगों की नजर जदीद मामलात के ऊपर जो है वो रहे इसलिए ये वाहिद हमारा मदरसा है कि ये इस बात से नहीं रोकता कि तुम किसकी तकरीर सुन रहे हो ये इस बात से नहीं रोकता हमारे होते हुए ही अकाल चोरी पर उसको जो है बड़े बड़े उलमा जितने हैं ये जितने दूर इस्लाम वाला है उसे भी सुनने के लिए जाते थे जितने बड़े बड़े उसे थे उसे भी सुनने के लिए जाते थे यहां भी जो है वो बुलाया जाता था इसलिए कि हमारे अलावा जदीद चीज के ऊपर नजर रखे उन्हें मालूम हो कि अब नए दौर के अंदर क्या हो रहा है ये चीजें जो है हमारी तवज्जो दिलवाई जाती थी और आपके पास तो कंप्यूटर भी है आपके पास तो जदीद क्लासेस हैं आपके पास तो जगह पड़ गई है आपके पास तो हर फैसिलिटीज है और उस वक्त जो है वो इब्तदाई की इनिशियल थी सारी तो मैं अर्ज ये करना चाहूंगा अभी बाहर के ममालिक में क्या है मेरा यूनिवर्सिटी के लेक्चर हुआ तो वहां टॉपिक यही था डिस्टॉर्शन अबाउट इस्लामिक वेस्टर्न कि इस्लाम को इतराजात क्या हो रहे हैं और हमें उसका दिफा किस तरह करना है तो बस मुख्तसर से वक्त में समाप्त कर लीजिए इस बाहर के मुल्क में जब हम जाते हैं तो सबसे पहले तो ये होता है कि यहाँ की तकरीरों में और वहां की तकरीरों में बड़ा फर्क है जितने हम वो भी पाकिस्तान से बुलाते हैं या ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में करवाता हूँ शाह रबुल साहब को बुलाते रहे पिछले इस दफा में डॉक्टर तहबादी साहब को बुलाया ये कॉन्फ्रेंस करवाई दो दफा बुला चुका हूँ तो वो ये देखना होता है कि इस यहाँ तकरीर क्या करती है अब हम जब वहां जाते हैं तो हम वही तकरीर करते हैं जो हम लाहौर में कर रहे हैं तो आपने वो जुमला तो सुना होगा कल मुद्दा सलामत या पूरे तो अब यहाँ अकल का तर्जमा माइंड नहीं करो यहाँ अकल को अकल वही करती है माहौल को देख के मैं इसका तर्जमा यूं करता हूँ कल मुद्दा सलामत या पूरे है कि जहां जाते हो उस माहौल के मुताबिक गुफ्तगू करो ताकि जब आप वहां पहुंचो तो तुम्हारी बात को समझ सके हम बोलती हमारे यहां से जब जाएंगे उनका नॉलेज वही होता है लाहौर वाला वो लाहौर वाली मिसालें देंगे अमेरिका के अंदर अब लाहौर की मिसाल अमेरिका वाला नहीं समझ सकता अब वहां गुफ्तगू कैसा करना है मैं एक मिसाल देना चाहूंगा अब देखिए आपसे यहां कोई पूछे कि जनाब आप बकरा जबा क्यों करते हैं यहाँ मदरसे में शुरू में तो सामने ही जबा होते थे यहाँ देखते थे यही खाल उतरती थी तो इसलिए लड़के डरते रहते थे जैसे बकरे की उतरी है तुम भी शरारत कर दो कैसे उतर सकती है बड़ा बात है हमारे उस्ताद मुझे अभी तक याद है यहाँ बहुत बड़ा अंकारी साहब ने हमें यहाँ जब कुरान पढ़ते थे लेकिन उन मारों की वजह से आज हम बड़े पहुंच गए उस्ताद की किसी बात पर नाराजगी का इजहार जब आप बात पर नहीं करना चाहिए तो वो बकरे को क्यों जबा करते हो तो आप सब सिंपल सा जवाब है जनाब वो इसलिए जबा करते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये जवाब आपका महत्व नहीं चलेगा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्योंकि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते ही नहीं आप कहेंगे फला बुखारी में लिखा हुआ है वो माने गए नहीं जब बुखारी को मानते नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे अब मेरा एक लेक्चर समझ लीजिए अब समझाने के लिए पूछते हैं कि सिवा क्यों करते हैं तो सुनिए आपने सूरह मैदान को पढ़ा होगा कुछ जानवर हराम है वो कौन से हैं आपके दबाव में फौरन आ गए वो जो ऊपर से गिर के बनता है खान सर जो ठोकर से मरा हिट करके मरा हराम है कोई मरा हुआ पड़ा हुआ है हराम है आपके लिए
जान पर हिट होता है या गिरता है या डूब के मरता है तो दहशत की वजह से उसके अंदर हिस्टामिन पैदा हो जाता है। वो जब हिस्टामिन पैदा होते हैं गोश्त बद जायका और डर वाला हो जाता है। अब अगर तुम उसे खाओगे तो तुम्हारी बॉडी के अंदर वही असरात मुरतब होंगे। तो अल्लाह नहीं चाहता कि मेरे नबी की उम्मत किसी ऐसे गोश्त को खाए कि जिसकी वजह से उनकी बॉडी खराब हो जाए। इसलिए आपके यहाँ मुर्दार हराम, आपको पता नहीं है कि ये कैसे मरा है। हालांकि होना तो ये चाहिए कि जिसको अल्लाह मारे वो हराम होना चाहिए, जिसको तुम मारो वो हराम होना चाहिए, लेकिन जिसको अल्लाह मार रहा है वो हराम होना है, जिसको तुम मार रहे हो वो हलाल होगा। ये हमारी गंगा कैसे चल रही, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मुर्दार आपके लिए जो रस्ते पे बकरा मरा हुआ है वो आपके लिए हराम हुआ, उसको अल्लाह ने मारा है, इसलिए हराम हुआ। तो तुम नहीं जानते कि ये बकरा किस वजह से मरा है, ये तुम्हें मालूम नहीं। हो सकता है कि किसी ने ढक मारा हो सकता है किसी बीमारी से हो तो वो बीमारी अंदर चले जाए। तो अब ये चीजें हिस्टामिन इसके अंदर पैदा हो गया तो दहशत की वजह से गोश्त खराब हो जाता है। इसलिए जो एक्सीडेंट से मरा, टक्कर से मरा, तुम्हारे लिए वो बकरा हलाल था, अब तुम उसको खा नहीं सकते। मैं फरमाने तुर्रा पे बात नहीं कर रहा, तो नाव की बात है, अब तुम उसे खा नहीं सकते। लेकिन यही दहशत तो उस बकरे में भी पैदा हो रही है जिसके सामने तुम छुरी रख रहे हो और उसकी गर्दन जिबा कह देता काटने लगे हो, क्या उसमें दहशत पैदा नहीं हुई? होती है। अब ध्यान सुनिएगा, अब ये आपका तकलीफ का स्ट्राइक चेंज हो गया जाके, अब आप अगले को समझाने लगे। दहशत उसमें भी पैदा होती है, लेकिन होता क्या है, हमारे यहाँ ये बतलाया जाता है कि जानवर को पकड़ते ही उसकी डायरेक्शन किबले की तरफ कर दो, उसका मुंह किबले की तरफ करो। ये बातें आपको सुबानी आता है, किबले की तरफ उसका मुंह कर दिया। जो ही आप बकरे को पकड़ के किबले की तरफ करते हैं तो ये रिसर्च हो चुकी है कि किबले से रेस निकलती है, वेव आवर इज एन इनविजिबल मैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी व्हिच कैन रिफ्लेक्ट ऑन इट पैथ। ये इसे ऑरा बोलते हैं। ये सिर्फ इंसान की बॉडी से नहीं, स्पीकर से भी निकल रही है, इस दीवार से भी निकल रही है, हर चीज से निकलती है। इसी तरह पूरी दुनिया में खाना कावा से उस मरकज से रेस निकलती है। वो शुआएं जो है, वो शुआएं जो उसकी तरफ मुंह करता है, वो शुआएं उसकी जानब जो है वो आने लग जाती है। इसीलिए आप लोग खाना कावा की तरफ मुंह करते हुए दायां हाथ ऊपर रखकर नमाज पढ़ते हो। सबसे पहले तो तुम वो रेस अपने अंदर जज्ब कर रहे हो, ऊपर से तुम दायां हाथ रख रहे हो, ये इंडिया में ऐसे क्यों नहीं नमाज पढ़ते? क्या हो, इस हाथ का क्या कसूर है? अगर इसके साथ इसको रोटी के साथ शामिल कर रहे हो तो नमाज पढ़ते हुए ऐसे क्यों नहीं रखते? तो आप जवाब दोगे, जनाब हम इसलिए नहीं रखते कि इमाम आजम ने फरमाया है, मौला अली से रिवायत है, हदीस फला बुखारी को, तो ये तो मानेगा नहीं। वो कहेगा मैं नहीं मानता मौला अली को, मैं नहीं मानता तिरमिजी को, मुझे समझाओ। तो फिर बताना पड़ेगा, देखो इस हाथ से मुस्बत शुआएं निकलती है, इस हाथ से नेगेटिव निकलती है, और ये शुआएं तुम्हारी बॉडी के अंदर है। तो जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हम किस तरह नहीं रखते, हम किस तरह रखते हैं और निगाह नीचा रखते हैं ताकि मुस्बत शुआएं जो है वो हमारी निगाह में पड़े और हमारी निगाह भी हो जाए। यही उनकी राजी साहब मुझे फरमा रहे थे कि हमें कर ये पहला स्टेप है, अभी देखिए टाइम कम है, स्टेप बाई स्टेप और बहुत नवीन तरीका है। तो खाना काबा की तरफ बकरे का मुंह कर दिया, तो जो ही बकरे का मुंह खाना काबा की तरफ होता है तो उसके सेल टूटना बंद हो जाते हैं। ये जिसको भी पकड़ते हो उसके सेल में इर्तियाश आ जाती है। तो अब जब आपने खाना काबा की तरफ किया तो बकरे को समझ आई कि मेरी डायरेक्शन सही है, अब उसकी दहशत जरा कम हुई। फिर तुमने कहा बिस्मिल्लाह, तो जो ही बिस्मिल्लाह कहा बकरे के कान में अल्लाह का नाम चला गया। तो तू से ज्यादा जानवर जो है वो अपने मालिक को जानते हैं, हम तो भूल जाते हैं पर जानवर कभी ना भूलता नहीं है। तो जब कहा बिस्मिल्लाह अल्लाह पर उसके सर टूटना बंद हो गए। अब उसे पता चल गया कि मैं किसी शिर्क की जगह पे नहीं हूं, मैं अगर हूं तो मैं अपने मालिक के लिए कुर्बान होने लगा हूं और कोई मुसलमान ही मुझे ज़िबह करने लगा है। तो बिस्मिल्लाह अल्लाह पर करते हुए जब हम छुरी चलाते हैं तो उसके सेल टूटना बंद हो जाते हैं। इसीलिए पाकिस्तान का गोश्त मुसलमान का ज़िबह हुआ गोश्त, ज़िबह किया हुआ गोश्त उससे टेस्टी होता है जिसको किसी और ने ज़िबह किया होता है। अब ये पहला स्टेप था कि आप जब कहीं जाओ तो कल्लमु नास अला क़द्र अक़्लिहिम का मतलब यह है, ये नहीं कि अकलें छोड़े, उस माहौल के मुताबिक गुफ्तगू कीजिए। दूसरी बात सुन लीजिए, दूसरी बात यह है कि जब आप कभी बाहर जाते हैं तो अक्सर हमने मौलवियों को दावत दी तो वो अमेरिका में भी शेर पढ़ रहे हैं। अब अमेरिका की आवाम, ये यूरोप की आवाम जो है, मैं इंग्लैंड की बात नहीं कर रहा, इंग्लैंड में तो सारी तरफ सारी कौम उधर ही लगी, वो मियाँ साहब को शेर सुनाना जरूरी होता है। लेकिन मियाँ साहब ने शेर पढ़िए, शेर पढ़ना बुरी बात नहीं है, हिस्ट्री सुनाना जरूरी, लेकिन देखिए ये कि तकाजा क्या है। तो सबसे अजीम आदमी मौलवी होता है, आप सारे लोग सारे तलबा सुन लीजिए, सबसे अजीम आदमी मौलवी होता है और सबसे मुश्किल स्टेज मौलवी की होती है। अब वो किस तरह, देखिए आप लोग यूनिवर्सिटी में चले जाए, राम साहब डॉक्टरेट कर रहे, डॉक्टर हो जाएंगे, ये तो बड़ी डॉक्टरेट के क्लास के अंदर जब डॉक्टर बन
रहे होते, पीएचडी कर रहे होते, तो पीएचडी पढ़ाने वाला भी उस लेवल का, आगे जो पीएचडी कर रहे पढ़ रहे वो भी उसी लेवल का, मैट्रिक क्लास के अंदर टीचर भी लेवल का और बच्चे जो हैं किताब भी उसी लेवल की और बच्चे भी मैट्रिक के लेवल के, एफए में चले जाइए बच्चे भी एफए के लेवल के, पढ़ाने वाला भी उस लेवल का, किताब भी। मौलवी जब तकरीर कर रहा होता है प्रॉब्लम ये होती है बीच में ही पीएचडी, बीच में ही मैट्रिक, बीच में ही एफए, बीच में ही बीए, बीच में ही जाते हैं, सारे बीच में बैठे होते हैं। तो इसलिए डॉक्टर बड़ा आदमी नहीं है, इंजीनियर बड़ा आदमी नहीं है, जुमा के दिन मिंबर पर बैठकर खुतबा देने वाला दुनिया का बड़ा आदमी। ये बात याद रखिएगा, आप अपने आप को खुदा कसम कमतर मत समझिए, लेकिन बस आपको मेहनत करना है। ये जामा नहीं दिया, विलायत भी देता है, ये विलायत भी देता है और इल्म भी अता करता है, दोनों चीजें इस मदरसे से मिलती अगर लेना चाहो तो। क्यों? इसलिए कि बड़े बड़े बुजुर्गों की नजर जो है, मैंने खुद अपनी कानों से सुना, मईनुद्दीन अजमेरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से ज्यादा नशीन आए, उस वक्त बहारें अजीब थी, मुफ्ती अला रहमा खुद जलवा फरमा है, डॉक्टर साहब जलवा फरमा है, रश लग गया किसी जगह के ऊपर, रश लग गया, यहाँ मुफ्ती अजीब साहब लेक्चर दिया करते थे, आपने तो ज्यारत भी की, मैं उनके कपड़े धोने के लिए दिया करता था, ये मुझे सादत हासिल है, बहुत बड़ा नीचे रहा था मुफ्ती अजीब साहब। अच्छा, तो मईनुद्दीन अजमेरी चिश्ती रहमतुल्लाह के से ज्यादा नशीन नशीन लाए, इस जगह खड़े हुए, ये जान एक दो तीन तीसरी लाइन दरवाजे से यहाँ खड़े हुए, तो किसी ने जुमला बोल दिया, ये बिल्कुल नए नए मुफ्ती मोहम्मद सैन नहीं रहा उन्होंने शीशे लगवाए के वाले, तो किसी ने कहा हुक्म दे दिया कितने खूबसूरत हैं इनके लिए दुआ कीजिए, तो उनके मुंह से ये जुमला निकला, इनके लिए जन्नत में पहले ही से घर तैयार कर दिया गया। ये मईनुद्दीन अजमेरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से ज्यादा नशीन जो है, ये उनका जुमला इसी जगह पर मस्जिद में खड़े हुए उन्होंने कहा कि उनके लिए पहले से घर जो है वो जन्नत में तैयार कर दिया गया है। तो देखो यहाँ हर चीज मिलती है, बड़े बड़े उलामा और ये इस जगह पे, या जो ही यहाँ अपने अपने नालायक जूते उतारे हैं, इससे थोड़ा सा आगे शेखुल हदीस व तफसीर और शेखुल कुरान गुलाम रसूल सैदी साहब और उनके साथ काजमी शाह साहब बैठे हुए, ये मैंने एक ही दफा उनकी ज्यारत की है, काजमी शाह साहब क्या हसीयत थी, अल्लाह अकबर जल्ला शानो। मुझे याद अभी तक किसी ने कह दिया इमाम हुसैन के पास घोड़ा था कि ऊंट था, लो ये भी कोई पूछने वाला सवाल है। तो गुलाम रसूल सैदी साहब भी बैठे हैं जब वो भी शगीर हैं, यहीं से बड़े मुफ्ती नेवी साहब के, तो अकादमी शाह साहब ने पूछा वो इमाम हुसैन के पास घोड़ा था कि ऊंट था, हालांकि तब हमें भी इब्तदाई पढ़ रहे थे, हमें भी अजीब सा लगा इतनी बड़ी हस्ती से क्या पूछ रहा है, तो आगे से जवाब आया कि उन्होंने भी यार कोई सवाल पूछना है, सवाल पूछो, क्या पूछ रहे हो तुम मुझसे। तो इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां इस जगह पे अपना कदम रख चुकी है, इसलिए आप लोगों को मिलाए, आप लोगों को इल्म, आप लोगों को जदीद चीजें, ये सब की सब जो है वो यहाँ से मिलेगी, लेकिन आप यह है कि आपसे पहले जो इब्तदाई चीजों को आप पढ़ें। हम जब होते थे हिदायत नाम का पीरियड था, सुबह इम्तिहान था, आपको बता दूं मैं उस वक्त पेपर अलामा राम मुफ्ती नागर नईमी साहब मदरसा वाली के वाले गोमी खुद शक में हैरान रह जाता था, यार अल्लाह ताला ने इनको कितना तमाम दिया है, शहीद मिलत को कितना तमाम दिया है, पेपर भी सबके चेक कर दिया और मजा है कि कोई एक नुकता भी उनकी नजर से गुजर जाए। एक जवाब में मैंने बा के रुकते को तेजी में लिखा गया, तो मैंने पेपर चेक किया तो बात उसके ऊपर भी दायरा लगा हुआ, तो मैंने कहा देखो यार मदरसे के इतने काम सब कुछ करने के बाद पेपर को भी कितनी कीन ऑब्जर्वेशन के साथ ये चेक कर रहे हैं, तो यहाँ आपको हर शहर जो है वो मिल सकती है। तो पहला स्टेप ये है कि आप लोग पढ़िए और ये जहाँ जाना है और जहाँ तब्दील करना है वहाँ के माहौल को जो है वो समझिए कि ये लोग किस चीज़ का तकाजा करते हैं और यहाँ मुझे क्या करना है। दूसरा स्टेप देखिए, जितने भी औलिया कराम आए हैं, अब ये असल स्टेप है, ये मैंने अमेरिका में अभी मस्कत से जो वापस आया हूँ तो वहाँ तो आपको पता मोदी तकलीफ नहीं कर सकता, फिर हम क्या किया, उन्होंने नेशनल डे रख लिया, उनका 41st नेशनल डे था, उसी के अंदर मैंने अपना मैसेज पूछा था, मैंने अपना मैसेज इलान हुआ कि क्या मैं नेविया से फारग होकर सी निकाल गई, ये मेरे लिए फख्र, मैं यहाँ रहता था तो नेवी नहीं लिखवाता था, जिस दिन से अमेरिका गया हूँ मैं अब नेवी लिखवाता हूँ, क्यों, इसलिए कि इसी मदरसे ने मुझे वहां तक पहुंचाया, मेरा अपना नाम भले से मिट जाए लेकिन इस मदरसे ने मुझे बोलना और चलना सिखाया है, ये नाम हमारे लिए जुज़्बे लायक है, ये हमारे साथ रहेगा जहां जाएंगे। तो वहां मदरसा भी है जहां नेवी, चार लड़के वहां से कुरान मजीद हिफ्ज़ अमेरिका में कर चुके हैं। तो मैंने नजर से बताया, बड़े अरसे के बाद मैं आया, बीच में बिजी रहा, तो ये शहीद मिलत मुफ्ती पाकिस्तान डॉक्टर सरफराज नईमी अल अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह के कहने लगे बेटा देखा किस मकाम पे पहुंच गए हो, मेरी आंखों से आंसू आ गए, मैं रो पड़ा, मैंने कहा हुजूर ये सब आपके सदके से, आप अगर मुझे ना पढ़ाते तो मैं आज कहीं ट्रेन लगा के खड़ा होता, मैं किसी जगह धक्के खा रहा होता, ये सब इस मदरसे का सदका है कि आज मैं बोलता हूँ, मैं जाता रोजाना अमेरिका
अमेरिका में मंडे टू फ्राइडे मेरा लेक्चर होता है, ये मेरे उस्ताद का सदका है, ये इस मदरसे का नतीजा है कि मैं वहां जाके गुजारा। 9 साल से मैं लेक्चर दे रहा हूँ। अब ये तो हो नहीं सकता कि मैं एक ही तकरीर करता हूँ, अगर हम तो मेरा मुझे चेंज करना पड़ता है क्योंकि रेडियो वाले तो गाना सुन रहे हैं, ये इस मदरसे का सदका है। इसलिए बच्चों आप लोगों ने पढ़ना है, ये मदरसा तुम्हें बहुत कुछ लेगा और जब पहुंचो तो क्या करना है। अब सुन लो जो आखिरी बात हुई है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए दादा साहब लाहौर के नहीं है, दादा गंगा शरी इंजीनियर मौला लाहौर के नहीं, ये अफगानिस्तान से आए, जिसको आप यहाँ भी कह सकते हैं सारा बराबर जो भी कहें, ये यहाँ के नहीं है। ख्वाजा मईउद्दीन अजमेरी चिश्ती रहमतुल्लाह राजस्थान के नहीं, ये भी खुरासान और उधर से आए तशरीफ लाए। तो पता ये चला कि वली कामिल जो जितने हमारे पास तकरीबन बड़े बड़े पहुंच रहे हैं वो यहाँ के लोकल नहीं हैं। अब दादा साहब लाहौर से लाहौर के नहीं लाहौर आए, ख्वाजा मईउद्दीन अजमेरी चिश्ती इंडिया के नहीं है इंडिया आए, इन्होंने आते क्या किया? बस अगर ये चीज पता चल जाए तो सारे मौलवियों को जो क्राइसिस है वो खत्म हो जाए। मौलवी ये समझ नहीं पा रहा क्योंकि मौलवी अभी तक तसव्वुफ में दाखिल नहीं हुआ, उसको जब तसव्वुफ में वो दाखिल हो जाएगा उसकी सारी टेंशन जो है वो खत्म हो जाएगी। यही बात तो मनमोहन सिंह ने कही, इंडिया का जो सदर है उसने ख्वाजा मईउद्दीन अजमेरी चिश्ती रहमतुल्लाह के दरवाजे दर पर चादर भेजी। ये जो गांधी की मर गई इंदिरा गांधी, ये दो मरतबा वजीर आजम बनी, दोनों मरतबा वहां हाजिरी देने के लिए गई। अब ये चीजें क्या है जबकि मुसलमानों को मारा जा रहा है, ख्वाजा मईउद्दीन अजमेरी चिश्ती के दर पर हाजिरी दी जा रही है, इन चीजों को हम सोच रहे हैं, सारों को लड़ाया जा रहा है और दादा साहब के दर पर पहुंच रहे हैं, ये क्या चक्कर है? एक दफा मैं दादा साहब तकलीफ कर रहा था, बहुत पुरानी बात है, अर्ली नाइनटीज की, तो जमात इस्लामी का जलसा था मीनार पाकिस्तान में, तो जमात मैंने देखा लड़के बैच लगाए हुए जमात इस्लामी का और फिर रहे दादा के दरबार पर। तो अब तकलीफ तो मुझे एक ही मिनट मिलता था, एक मिनट में यही बात थी, मैंने कहा देखो दादा की करामत कि जिनका मंशूर ये है कि कब्र पे नहीं जाना, दादा के दर पे वो भी फिर रहे हैं, वो भी दादा के दर पे फिर रहे हैं, तो भाई देखो वो लोग दादा के दर पे आ रहे हैं, ये फर्क क्यों है? तो सुन लीजिए, मईउद्दीन अजमेरी चिश्ती रहमतुल्लाह आए, उन्होंने गवर्नमेंट को टच नहीं किया, उनको नहीं छेड़ा, उन्होंने किसी बंदे की जमीन पर कब्जा नहीं किया, उन्होंने किसी को इंटरफेयर मुदाखलत नहीं की। जाते ही कहाँ बैठे? अब आप सारे खतीब हो उलमा हो कुजबानी गा रहे, वहां बैठे जहां ऊंट बैठते हैं और ऊंट बैठने की जगह आम नॉर्मल और गंदी जगह होती है, यानी वहां नॉर्मली तौर पर लोग वहां नहीं रहते, वहां जाकर डेरा लगा लिया कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ने और ये भी और बाकी लोगों ने भी। ऊंट वाले आए, उठो बाबा यहां कहां बैठे हुए हो, क्योंकि तब आपकी उम्र तो 40 साल से कम थी, उठो यहां कहां बैठे हुए हो, उठ जाते हैं। अब चाहते तो कह सकते थे ऊंटों की जगह है ना, कौन यहां बैठता है, ऊंट परे बैठा लो, क्या होता है वहां लगा लो, यहां जरूरी बिठाने की, तो मैं ठीक बैठा हुआ उनको, हम चलते हैं। सुबह हो गई जब वो ऊंट उठाने लगे, ऊंट उठ ही रहे, तो कोई बोला वो पापा बिठा के रहा है, आप नहीं उठेंगे ये जब तक पापा नहीं उठाएगा। तो उन्होंने इस तरह हमें जब जाना है किसी जगह तो हमें किसी को छेड़ना नहीं, हमें किसी हाँ क्या करना है कर देखिए, अगर ख्वाजा मईउद्दीन अजमेरी चिश्ती रहमतुल्लाह ताला गवर्नमेंट से टक्कर डायरेक्ट लेनी शुरू कर देते, बंदों की जमीने थाने, हम मुसलमान हैं, हमारा मुल्क है, वलिल्लाह मीरासु समावाती वल अर्ध, हाँ हम ये आए इससे ये साबित हुआ, यकीन जानिए कोई भी कुछ भी ना होता। लेकिन वो औलिया इकराम समझते थे कि हमें तबलीग किस तरह करना है। तो अब क्या हुआ, 10,000 आदमी स्नान करता था उस ये जो अना सागर है, एक टाइम में पूरा मजमा लगता था, 10,000 आदमी वहां नहाता था, तो 10,000 आदमी जब नहाता था तो उनका अकीदा था कि इनके गुनाह साफ हो गए, ठीक है। 10,000 आदमी खड़ा है, राजा कह रहा है बाबा निकल यहां से, तू यहां नमाज भी नहीं पढ़ सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, ये 10,000 का 10,000 आदमी स्नान करेगा। अब पूरा मेला लगा हो, इज्तमा हो, सारा इंतजाम इंसलाम हो चुका हो, अब आप जरा सोचिए, तो मैंने ठीक है हम चलते हैं। अब फिर दूसरा स्टेप मैं समझा रहा हूं आपको, इजमा में कह रहा हूं दूसरा स्टेप, ठीक है चलते हैं, नहीं रुकते, बादशाह कह रहा है, राजा कह रहा है, हाँ भाई कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से कहा जाओ जरा एक वजू के लिए तो पानी ले लो। अब वो लोटा भरने के लिए गए, पूरे का पूरा अना सागर लोटे में डाल दिया, 10,000 आदमी स्नान के लिए किनारे पे खड़ा है और जोहर में पानी ही नहीं तलाब, उसको नहीं छेड़ा पानी लेके। अब सब पीछे पीछे बाबा लोटा डाल दे, ये क्या बनेगा इनका, अब सारे वापी ये है तबली, ये की है बाबा लोटा डाल दे तेरी मेहरबानी, राजा पीछे पीछे बाबा लोटा डाल दे। आपने लाख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह, चलो बेटे लोटा डाल दो,
लोटा डाला, पूरा पानी वापस, 10,000 लोगों ने एट द स्पॉट कलमा पढ़ा। ये अब बताओ राजा की जरूरत है इस तरह हमें चलना है। लेकिन मैं सिर्फ एक एक जाकिर से अर्ज कर रहा हूं, तो हमें जब भी कहीं जाना है तो हमें तबलीग इस तरह करनी है जैसे दादा साहब ने लाहौर में आकर की और ख्वाजा मईन उद्दीन मेरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। तो यही मैंने हर जगह ये कहा, आज के दौर के अंदर तसव्वुफ एक ऐसी चीज है आपके पास, आप उसके अंदर आकर किसी भी मुल्क के अंदर तबलीग कर सकते हैं। आप मिसाल सुनिए, अमेरिका में एक मैदान है, उनका नाम है बाबा मुहियुद्दीन, व्हाइट कलर का, फिलाडेल्फिया में उनका मैदान है, इंग्लिश वो बोल नहीं सकते, श्रीलंका के रहने वाले हैं। कोई आदमी गया श्रीलंका के जंगलों में, उसने वहां उनको देखा, वहां से उसने स्पॉन्सर भेजा, उनको बुला लिया अमेरिका में। अब वो अमेरिका में रहे, इंग्लिश नहीं बोलते, उन्होंने कई अमरीकियों को मुसलमान कर दिया, दुनिया से जाने तक उनको इंग्लिश का वर्ड नहीं आया। लेकिन इस वक्त आप चले जाइए तो अमेरिका में आपको फिलाडेल्फिया के अंदर बाबा मुहियुद्दीन का मिजार नजर आएगा, और वहां अंग्रेज किस तरह काम करते हैं जैसे आपने कभी मिजारों के ऊपर उजारों को काम करते हुए देखा है, सारे डॉक्टर हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं। और आप अगर चले जाए फिलाडेल्फिया और बताएं कि आई एम कमिंग फ्रॉम ह्यूस्टन, आई एम कमिंग फ्रॉम न्यूयॉर्क या फ्रॉम किसी जगह से आ रहा हूं, तो फौरन लड़ेंगे, ये बंदा मेरे घर जाएगा, ये बंदा मेरे घर रोटी खाएगा, ये बंदा मेरे घर रोटी खाएगा। ये सिलसिला किन में था? सूफिया इकराम में, कि हम इसे खाना खिलाएंगे, हम इसकी खिदमत करेंगे। तो अब वो बंदे आपसे लड़ रहे हो तो हैं वो अंग्रेज, तो वो आपको घर ले जाएंगे, खाना खिलाएंगे, उसके बाद कहेंगे आइए अब हमारे बाबा के कब्र की ज्यारत कीजिए। वहां वो पहुंचेंगे बाबा मुहियुद्दीन, वहां रहकर उन्होंने तबलीग की, इतने लोगों को मुसलमान किया। ये क्या चीज थी? ये चीज है कि जिसको हमने इस्तेमाल करना है, आपने भी और हम लोगों ने मिलकर, तब जो है वो हम कामयाब हो जाएंगे। और बाकी देखिए मरूरे जमाना, जमाने के तकाजे के मुताबिक जो है वो हमें अपनी फिक्र पर और हमें अपनी तकरीरों पर भी गौर करना है। देखिए मैं माजरत के साथ, मैं इख्तलाफ नहीं कर रहा, आपको बुखारी जबानी याद है, लेकिन एक मसले ने मुझे बचपन से लेके अब तक जो है वो डिस्टर्ब किया, वो क्या? बीबी आशा की उम्र। इस मसले ने अमेरिका में जलील करके रख दिया। 748 चैनल है, सबसे बदतमीज वो हमारे खिलाफ इतना बोलता है, इतना बोलता है, उसका काम ही होता है, उसने राय नहीं लिखा। बुखारी शरीफ ने लिखा है कि उम्र जो है वो 6 साल थी और जाते हुए 9 थी। अब कोई मौलवी इस पे गुफ्तगु करने का जो है ना वो जिम्मेदारी ले ही रहा कि मैं इस तरीकी बात को तो आगे पीछे कर दूं। मैंने ये प्रूफ किया है कि बीबी आशा सिद्दीका जब हुजूर के घर गई तो उनकी उम्र 15 साल थी, ये मैंने साबित किया, मेरा एक पूरा घंटे का लेक्चर है। लेकिन अब मसला ये, साहब ने मेरे खिलाफ किताब लिख दी, मोहम्मद मुख्तार शाह काफर हो गया इसलिए कि इमाम बुखारी की बात को रिजेक्ट किया। मैंने कहा यार इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की किताबों के अंदर तुमने इस्तेहसान का लफ्ज तुमने बोलकर कई जगह के ऊपर तुमने कहा कि यहां से तसामो हुआ, यहां से तसामो हुआ, यहां से तसामो हुआ, तो जब इतने सारे तसामो माने हैं तो नबी की साथ पर जब पीछे उछाला जा रहा है तो तुम लोग इनको बंद क्यों नहीं करते? तो वो हमारी हिम्मत नहीं बढ़ती। तो ये भी आपको सोचना है कि आप जब तबलीग कर रहे हो तो कैसी कर रहे हो, अगले को समझ आ रही थी। अब आप देखिए कुदूरी शरीफ आप सामने पड़ी होगी, उसके अंदर एक जगह लिखा हुआ अगर कुत्ते को जिबा करो शरीफ तरीके से तो उसके बाद उसकी खाल के ऊपर तो खाल पाक हो जाती है, दबावत के बाद में जाना। अब आप मुझे बताओ अगर तुमने मस्जिद में खड़े होकर ये कहा कुत्ते को जिबा करो खाल पाक हो जाएगी दबावत से और उसके अंदर सारी चीजें अब जायज हैं, मैं कहता हूं खुदा कसम तुम्हारे मस्जिद की इंतजामिया तुम्हें निकाल दी। तुम भले से बोलो कदूरी में लिखा बात दबावत के बाद में बड़ा दबाव होता है, दबावत को भी दबा दब दबा दे। तो देखो मैं यही दोस्त कर, देखो कुछ बातें हैं वो हमें बतलाना पड़ रही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारे मौजज़ात हैं, उनके मौजज़ात हम मानते हैं, हम सब को छुपाते हैं, जिन्होंने खून पिया, जिन्होंने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत मुबारक, हम मानते हैं इन चीज़ों को, लेकिन प्लीज इन चीज़ों को बतलाने के लिए पहले माइंड बनाना पड़ेगा। ये चीजें उन लोगों के लिए कि जो चीजों को समझते हैं, हम जब ये चीजें जाके दूसरों के सामने बयान कर रहे हैं तो क्या होता है कि फिर वो लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। मैं आखिरी बात रस करना चाहता हूं, सेक्सुअल कोर्सेज सलमान रश्दी की बुक है, आपने उसकी किताब आप में से किसी ने भी पढ़ी होगी। मैं जब यहां था तो तब वो इतनी सस्ती किताब तो उसको जुलूस निकाल निकाल के महंगी करती थी। उस किताब का जब मुताला किया गया तो उसने क्या लिखा था, वो जो यहां की किताबों ने और बुखारी शरीफ की हदीसें और दूसरी हदीसें उसने अपनी किताब में लिखी हुई थी, वो हदीसें लिखने के बाद उसने रिजल्ट निकाल के बताया ये देखो ये मुसलमानों ने ये कहा ये कहा ये कहा। तो हमें इस पे भी गौर करना है ये बातें। बाकी हम लोगों पर इतराजात जो है वो कितने हैं, हमारे कुछ
चीजें भी वहां हम जब यहां से जाते हैं तो हम अपने आप को पाकिस्तान का या इस्लाम का नुमाइंदा नहीं समझते। ट्रेजेडी हमारे साथ ये कि अब जो माशाल्लाह मदरसों से जा रहे हैं बच्चे वो पढ़े लिखे हैं, इससे पहले जो हमारे मसल के मोदी गए हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने क्या किया, जो मस्जिद भी बिजनेस बनाया, दूसरी चीजें भी बिजनेस बनाई। तो आप जब लोग कहीं जाओ या हम मुसलमान जाए तो हमें से हर एक जो है वो पाकिस्तान और इस्लाम का नुमाइंदा होता है, ये बात याद रखिएगा। मैं अगर कोई गलत काम करूंगा तो वो कहेगा मोहम्मद। अभी इमिग्रेशन के अंदर गए तो उसे पूछा कि कोई प्रॉब्लम है मेरे केस के अंदर, तो क्या लगा, लिसन ऑल मोहम्मद आर इन ट्रबल, सारे मोहम्मद मुश्किल में है। वो क्या, वो आपको एक बंदा नहीं समझ रहा, वो कह रहा है ऑल मोहम्मद आर इन ट्रबल, ये सारे पाकिस्तानी, ये सारे जितने मुसलमान है सब ट्रबल के अंदर है। क्यों, हमने लोगों ने खुद काम वहां जाके पूरे हद किए। एक दौर वो था कि आप लोगों ने हिंदुस्तान में इस्लाम दिलाया, आप लोगों ने ये सारी जितने जजीरे हैं यहाँ इस्लाम का, आप क्या मोदी बंद कराते थे, नहीं, जितनी ये स्टेट्स हैं या इंडिया है आप यहाँ मोदी बनकर पहले नहीं आए, आप यहाँ कपड़ा बेचने आए थे, आप कपड़ा बेचने आते थे और मसाला लेकर जाते थे। तो बस इसी दौरान आप लोगों ने इंडिया के लोगों को मुसलमान कर दिया। आप इसी लंका सरिंदीप ये सारे इलाके आप यहाँ से लेके जाते थे लाचिए, यहाँ से लेके जाते थे काली गिरजे, यहाँ से लेके जाते थे आप ये सारी मसाले की चीजें और दे के जाते थे कपड़ा। तो कपड़ा बेचने आते थे, मसाले लेके जाते थे, इसी दौरान आपने हजारों लोगों को मुसलमान कर दिया। क्यों, आप लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा जबरदस्त था। इसलिए मैं आप लोगों की अर्ज करूंगा कि आप हथियार इंडिया से जब निकलो तो ये सोच लो कि हमें अब बाहर निकलना है तो हमारी पूरी शक्ल जो है वो सर से लेके पांव तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आईना होनी चाहिए। कि जो हमने तिरमिज़ी में, शमाइल तिरमिज़ी में पढ़ा, जो हमने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार के बारे में पढ़ा है, वो सब का सब जो है हमारी नजर आ रही है। जब आप चलेंगे फिर क्या होगा, आपकी बात समझ में लीजिए। जब आपकी ये सूरत हाल होगी और जदीद तालीम से आपका रास्ता होंगे तो उसके बाद फिर ये होगा कि गुजरात जो है, गुजरात के हैदराबाद का, यानी इंडिया के अंदर जो गुजरात है, वहाँ एक साहब एमएलए सड़क से जा रहे हैं, सड़क से जाते हुए कमर के ऊपर खड़े होके उनको सैल्यूट कर रहे हैं कमर वाले को। तो एक मुसलमान करीब से गुजरा, कहने लगा यार तुम लोगों ने हमें मारा और इनको तुम सलाम कर रहे हो, जुमला सुन लीजिए उसे हिंदू का। कहने लगा जिस दिन तुम इन जैसे बन जाओगे उस दिन हम तुम्हें सलाम करेंगे। तो हमें तसव्वुफ और वलायत को अपनाना है तो ये चीज लेकर आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ। लेकिन दूसरी बात, कल मुन्ना सलाह कदर बोले जहाँ जाओ हमारे औलिया कराम ने वहाँ का पहले ख्वाजा मंदिर ने मेरी चिश्ती राम को म्यूजिक से लगाओ नहीं था कि वो सुनते कि अब म्यूजिक बजे तो उनको बड़ा मजा आता, वो खुद कमरे में होते थे। ये जो आपको कहा जाता ना ख्वाजा साहब बीच में बैठे होते थे, ना मामा ख्वाजा साहब दूसरे को कहते थे तू बजा, खुद कमरे में होते थे और जब मजमा इकट्ठा हो जाता था फिर खड़े होकर जो है वो फरमाते थे अब ये है, अब ये है, अब ये है। ये नहीं तो ख्वाजा साहब बीच में बैठे हुए तो तबले में तबला बज रहा था, वो होता भी एक ही था बस, उनको चूंकि अच्छा लगता था उनके लिए कशिश का बायस था, कहा चलो इनको इस तरह से जो है वो कैच करना शुरू कर दो। तो रात के टाइम क्या करते, वो हिंदू रात को भजन गाने चले जाते, रात में मैं तुम्हारे भजन का भी इंतजाम करता हूँ। ख्वाजा साहब ने फिर उनको शेर दे दिए और वो शेर पड़ा करते थे, भजन का मूड भी जो है वो उतर गया। तो आपको ये देखना है जहाँ जाओ वहाँ के माहौल को समझो और तुम्हारे लिए सबसे बेहतर माहौल जो है वो तसव्वुफ का माहौल है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वाकिफ का वाला अल्हम्दुलिल्लाह आमीन। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى محمد وصحبه محمد وبارك وسلم يا من رحمت الله ومن رحمت الله جل وعلا سلطان يا رب العالمين ويا سيدنا محمد وعلى آل محمد قبول فرما برکت اللہ کے نام میں میرے لیے بڑی اعزاز کی بات جہاں سے میں پڑھ کے گیا یا اللہ تعالی جہاں سے میں نے علم حاصل کیا اسی جگہ پہ آج کھڑے ہو کے میں تقریر کر رہا ہوں برکت اللہ کے نام جس طرح بھی اللہ تعالی نے مجھے مقام دیا اس سے بھی داتو ہونا زیادہ یہ سب کو اللہ کو مقام عطا فرمائے ¿Qué tal?
उसके बाद बहुत अच्छी
सार भाई किधर है गए? अंदर ही। ओ नहीं तारा पीर गोहर भाई बुलाना गोहर भाई गोहर भाई बुलाना नहीं उन्होंने तारा पीर बुलाया गोहर नहीं बुलाओ आगे ने गोहर भी बुलाया उन्होंने हाँ बुलाया इधर कोई सनीका
ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। किसी का एक